क्वेश्चन नंबर 61। फिगर शोज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ओवर अ लार्जर मास एम हुज सरफेस इज हॉरिजॉन्टल नियर द स्मॉलर मास एंड ग्रेजुअली कर्व्स टू बिकम वर्टिकल। तो ये अपने को दिख रहा होगा, बोल रहा है कि यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और धीरे धीरे ये वर्टिकल होते जा रहा है। ठीक है, आगे द स्मॉलर मास इज पुश्ड ऑन द लॉन्गर वन एट अ स्पीड वी एंड द सिस्टम इज लेफ्ट टू इटसेल्फ। ये जो दिख रहा है ये छोटा वाला मास, इसको अपन वी स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए और इसके बाद सिस्टम को अनडिस्टर्ब छोड़ दिए, तो क्या होएगा भाई? ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो है ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा रिलेटिव टू द बिगर ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में हर समय एक नॉर्मल रिएक्शन लगते रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर जब ब्लॉक आया तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे छोटे वाले पे और ऐसे बड़े वाले पे। इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को दिख रहा है साफ साफ, और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा क्या, छोटे वाले ब्लॉक की एक्स वाली वेलोसिटी कम होते जाएगी क्योंकि छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है और नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो इधर है, तो वेलोसिटी कम होगी। बड़ा वाला ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा वो उसको एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो कहानी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अज्यूम दैट ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है कि छोटा वाला ब्लॉक जब यहां पर आ जाएगा वर्टिकल पार्ट में, तब इन लोगों की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। ठीक है, सॉरी, इन लोगों की नहीं, जो लार्जर ब्लॉक है उसकी स्पीड क्या होगी, है ना? तो देखो भाई, मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होगा, ये सिचुएशन है और ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में, सॉरी वर्टिकल वाले पार्ट में आके छोटा वाला ब्लॉक ये एम एस और ये कैपिटल एम एस। अब रिलेटिव स्पीड चाहे जो भी हो, छोटे वाले मास की जो रिलेटिव स्पीड होगी ऑब्वियसली वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी बड़े वाले के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो सरफेस है वो कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है, तो वो रिलेटिव स्पीड कुछ भी हो उसको मैं वी रिलेटिव मान लेता हूँ, लेकिन एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की एक कॉमन स्पीड होगी जिसको मैं वी वन मान लेता हूँ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड वाई डायरेक्शन में है तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी जो इनकी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी और उस वेलोसिटी को मैं वी वन मान लेता हूँ। ठीक है, तो अपन ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं इस ब्लॉक, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो ब्लॉक और इस बड़े वाले ब्लॉक के बीच में केवल नॉर्मल रिएक्शन है, वो इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो मैं लिख सकता हूँ एम वी यानी कि इनिशियल मोमेंटम जब ब्लॉक को अपन रिलीज किए थे यहाँ पे वी स्पीड के साथ। ठीक है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है, एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी वी वन। तो इससे वी वन की वैल्यू आ गई एम वी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ये तो हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए में क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक, ये क्या निकाला हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में इन दोनों की कॉमन स्पीड, परंतु बड़े वाले ब्लॉक की तो केवल एक्स डायरेक्शन में ही स्पीड है, वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब पार्ट बी में क्या लिखा है देखेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट अ हाइट h। ओके, तो ऐसा कुछ है कि यहां पार्ट बी बना देते हैं, ये ऐसा कुछ वेज दिखाई देगा और जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, यहां पर पूछा ये कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, ऐसे कूद जाएगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ होएगा। तो पूछा है कि जस्ट बिफोर दी डिटैचमेंट इस छोटे वाले ब्लॉक की स्पीड क्या है, तो मैं इस स्पीड को मान लेता हूँ वी टू। ध्यान रखना ये वी टू रिलेटिव स्पीड नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है तो उसका एक ये वाला कंपोनेंट भी आएगा, ये वाला कंपोनेंट भी आएगा, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में स्पीड होगी। ठीक, और सोचो भाई जैसे ही ये वर्टिकल ब्लॉक यहां पर आ चुका है, सॉरी जो छोटा वाला ब्लॉक है वो वर्टिकल सेक्शन में आ चुका है, अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो चुका है,
क्यों जीरो हो चुका है? क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी, यहाँ पार्ट ए में देखो भाई, इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो चुकी है एक डायरेक्शन में वी वन। तो जब सेम वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में, तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन की टेंडेंसी है नहीं, तो नॉर्मल डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचते तक, नीचे से ऊपर पहुंचते तक, वर्टिकल हिस्से में जब वो ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन जीरो रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज फॉर बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है? और एक्चुअल में क्या होगा, ये जो वी रिलेटिव है ना छोटे वाले ब्लॉक की, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वो रिलेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट ऊपर जा रही है, हाइट ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पर इस वी वन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? यानी कि बड़े वाले ब्लॉक की एक्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और न ही छोटे वाले ब्लॉक की एक्स वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, ठीक? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं स्पीड को वी वन मान लेता हूं, किसकी स्पीड? छोटे वाले की, ठीक है? तो उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ठीक है, जो कि वी वन ही होगा, क्योंकि एक्स वाली वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई नहीं है। और दूसरा एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है? अब मैं काम करता हूं, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है? तो इस वी वन को मैं क्या बोल सकता हूं, इस वी वन को मैं बोल सकता हूं वी टू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वी टू साइन थीटा। और अपने को गिवन क्या है कि भैया वी टू कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? वी वन के बराबर है, ठीक है? अभी ये जानकारी काम आएगी, कैसे काम आएगी बताऊंगा। सोचो अच्छा एक मिनट यार, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको बाद में यूज करेंगे, अभी तो सिंपली ये पूछा हुआ है अपने को। हाँ ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कंपोनेंट ब्रेक काम आएगा, इसको छोड़ो, अभी छोड़ो। सिंपली ये मान लेते हैं अपन कि इस इंस्टेंट पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में छोटे वाले ब्लॉक की जो स्पीड है वो वी टू है, और बड़े वाले ब्लॉक की स्पीड अपने को ऑफकोर्स पता है कि वी वन ही है। तो अपन अब क्या कर सकते हैं, जब ये छोटा वाला ब्लॉक यहाँ पर था, यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं सिस्टम की, ठीक है? तो इनिशियली छोटे वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एमवी स्क्वायर, फाइनली छोटे वाले ब्लॉक की, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान लेता हूँ शुरू में, ठीक? और फाइनली छोटे वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर। बड़े वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ कैपिटल एम वी वन स्क्वायर, प्लस छोटे वाले ब्लॉक की हाइट अब एच बढ़ चुकी है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है एच है, ठीक है? तो एच हाइट बढ़ गया पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई छोटे वाले की, एम जी एच, ठीक? अब इसको सॉल्व करके वी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर दिख रहा होगा दो वेरिएबल है, एक वी वन भी दिख रहा होगा और एक वी टू भी दिख रहा होगा, परंतु वी वन की वैल्यू अपन पार्ट ए में निकाल चुके हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, बेवजह टाइम वेस्ट करने का को कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे, इस वी वन की वैल्यू को यहाँ रखोगे, और भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इच्छा ना हो पूरा तो कोई भी जरूरत नहीं, मत करना, जबरन कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, मतलब बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब इक्वेशंस को इधर उधर करना पड़ता है, तो इच्छा हो तो करो वरना मत करो। आजकल किसी भी एग्जाम में इतने सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करना चाहिए, पर मेरे को पता है कि आप लोगों में से 90% लोग बहुत ही आलसी होंगे, तो उन लोग नहीं करेंगे, तो नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, वी वन की वैल्यू पुट किए और वी टू की वैल्यू जब निकालोगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, वी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर एम एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम का होल स्क्वायर। भरोसा रखो मैंने सॉल्व कर लिया है पहले से, तो आंसर आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। -2GH पूरे का पावर 1/2, ये आएगी वी टू की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है? सॉरी, ये हाँ वी टू पहले लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो गया पार्ट बी का आंसर, यानी कि छोटे वाले ब्लॉक की स्पीड जस्ट बिफोर इट डिटैचेस
फ्रॉम दी बड़े वाला ब्लॉक। ठीक, क्या लगाया अपन इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन। पहले वाले पार्ट में क्या लगाए थे? मोमेंटम कंजर्व। लिख भी लेता हूं यार, मोमेंटम कंजर्वेशन। और दूसरे में क्या लगाया अपन? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, अब पार्ट सी देखते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट द स्मॉलर मास एसेंड्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि सपोज करो कि यहां क्या होएगा आफ्टर लीविंग दी बड़ा वाला ब्लॉक। मैं बिल्कुल इसको पॉइंट मास मान लेता हूँ, छोटे वाले ब्लॉक को। तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी? कुछ इस तरीके की होगी। ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, फ्री फॉल है। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से लेकर जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी, यानी कि इस वैल्यू को पूछा है। इसको मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ। ठीक, और ये वाली हाइट तो अपने को गिवन ही है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट अपने को स्मॉल स्मॉल एच क्वेश्चन में दे रखी है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को केवल ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है, यानी कि फ्री फॉल में आने के बाद, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रहा है वो छोटा वाला ब्लॉक, उसको मैं मान लेता हूँ H2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस H2। H2 यहाँ पर पता नहीं है, उसको निकालेंगे। ठीक है, चलो अब जो मैं कंपोनेंट पार्ट बी में तोड़ा था उसको एक्चुअल में यहाँ पर तोड़ने की जरूरत है। मैं क्या माना था कि ये वेलोसिटी दिख रही है ना? हाँ, ये वेलोसिटी, ये स्पीड, ये ग्राउंड की रिलेटिव स्पीड कितनी है? v2। और इस एंगल को मैं क्या मान लिया था? इस एंगल को मैं थीटा मान लिया था। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 sin थीटा। और अपने को क्या पता है कि v2 cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? v1 के बराबर है। इससे फायदा क्या होगा? इस इक्वेशन की मदद से मैं v2 sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि इस स्पीड के दोनों कंपोनेंट मेरे को पता चल जाएंगे। कैसे? स्क्वायर करो तो v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर। तो इस v1 स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये v2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो क्या बनेगा? v2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको v2 साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर हटाओ और यहाँ पर अंडर रूट लगा दो। ये मिल गया अपने को क्या? v2 साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि ये कंपोनेंट मिल गया। कितना है वो? v2 माइनस v1, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का अंडर रूट। और ये वाला कंपोनेंट v2 cos थीटा की वैल्यू अपने को पता है ऑलरेडी क्या है? v1। ठीक, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए काम करता हूँ, इसको काट देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ सिंपली v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इसको भी काट देते हैं और लिख देते हैं v1। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट तोड़ लिए तो इस बीच वाले कंपोनेंट का क्या ही करना है आपने? मतलब मेन जो स्पीड है उसका क्या करना है? मारो गोली उसको। ये आ गए उस पार्टिकल की जस्ट बिफोर द लिविंग, सॉरी जस्ट बिफोर लीविंग द बड़ा वाला ब्लॉक, जस्ट बिफोर डिटैचिंग द बड़ा वाला ब्लॉक, दोनों एक्स और वाई वेलोसिटी आ गई किसकी? छोटे वाले ब्लॉक की। ठीक, अब क्या भाई? अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है ना, ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा भाई। और अपने को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना, जिस हाइट से प्रोजेक्ट किए हैं उससे मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू होती है वो निकालना हम सबको आता है भाई। कैसे निकालते हैं? उस हाइट को हमने क्या नाम दिया है? उस हाइट को हमने दिया है H2 नाम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं H2 की वैल्यू। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या क्या वाई वेलोसिटी पता है? वाई वेलोसिटी से टाइम निकल जाएगा और एक्स वेलोसिटी से इंटू करेंगे तो, सॉरी वो तो रेंज आ जाएगा, आई एम सो सॉरी। H2 की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप लोग को याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये होता है UY² / 2G। ठीक है, और UY कितना है? यानी कि Y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी।
ये है इतना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक, अब भाई देखो फिर से वही बात है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करना। जब कैलकुलेशन करोगे है ना, जब कैलकुलेशन करोगे तो ये जो एच टू है ना ये निकल के आता है। अब कैसे करेंगे, वी टू की वैल्यू हमें पता है कि नहीं, वी टू की वैल्यू ये रहा, ये वी टू की वैल्यू पता है और वी वन की वैल्यू का पार्ट ए से पता है। तो क्या करना है भैया, यहां से और यहां से दोनों में से उठा के वी वन और वी टू की वैल्यू को लाएंगे, यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि काफी मेहनत का काम है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आता है 1/2g वी स्क्वायर इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम माइनस 2gh। देखो भाई मेरा पूरा सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, दोबारा सॉल्व करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना रहा हूँ। वैसे भी पूरा मतलब मैं कटोरी चम्मच में दूध तो नहीं पिलाना चाह रहा हूँ ना, सॉल्व कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, वो मैं समझा रहा हूँ, इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो ये एच टू आ गया, तो इससे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी एच प्लस एच टू, है ना, रख दो इसको एच प्लस एच टू विच इज 1/2g वी स्क्वायर कैपिटल एम एम प्लस एम माइनस 2gh। ये 2g और ये 2g कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस एच बचेगा, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, यानी कि एच की वैल्यू निकल के आएगी 1/2g वी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक, कर सकते हो यार सॉल्व, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो आ गया अपना पार्ट सी का आंसर, कैपिटल एच यानी कि हाइट ऑफ द स्मॉलर ब्लैक ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट डी आखिरी पार्ट, शो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। ओके, इसमें शो क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, सोचो जब वो इस पॉइंट से निकला, देखो यहां ध्यान से, जब वो इस पॉइंट से लीव किया तो कितनी स्पीड से लीव किया, एक डायरेक्शन में वी वन स्पीड से, ठीक है, और इस समय जो बड़ा वाला ब्लॉक था यानी कि नीचे वाला, वो भी कितनी स्पीड से जा रहा था, वी वन स्पीड से। तो किसी भी टाइम टी में, या बोलना चाहिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, उतने टाइम में ये दोनों ब्लॉक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो जब ये बॉल यहां आ जाएगी, तब अपना ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बॉल बोल दिया, आई एम सो सॉरी, छोटा वाला जो ब्लॉक है वो यहां पर आ जाएगा, तो अपना बड़ा वाला ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के रिलेटिव सेम पोजिशन पे वो लैंड करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब वो बच्चों जैसे कर सकते हो चाहो तो, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपर वाला ऊपर वाला ब्लॉक अलोंग एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नीचे वाला ब्लॉक अलोंग एक्स, और वो क्यों होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो भाई ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पता नहीं ऐसा क्यों लिख दिया है कि शो करना है, मतलब शो तो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं शो करना, आगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। देखो भाई अब यार इसको दो तरीके से कर सकते हैं ना, क्या पूछा हुआ है, एक प्रकार से एक मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ, बोला है कि भाई जितनी देर में वो छोटा वाला ब्लॉक अंडर ग्रेविटी में रहेगा यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, उतनी देर में बड़ा वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन। तो एक प्रकार से हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज पूछा हुआ है, क्योंकि अभी तो मैं बताया दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज निकालना क्या बड़ी बात है भाई, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू क्या करोगे, एक्स वेलोसिटी कर दो। ठीक, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे भाई, पार्ट डी, यहां पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि भैया एक्स वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स रिमेन सेम एंड हेंस द स्मॉलर ब्लॉक विल सर्टेनली लॉन्च ऑन द बिगर ब्लॉक, ये बात हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा,
टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2v2 sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि v2 sin थीटा क्या है, ये वाली स्पीड थी ना, या मैं v2 उसको तो हटा चुका हूं, तो सिंपली ऐसे लिख लेते हैं 2vy, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2uy बाय जी होता है, तो क्या आ जाएगा 2 into √v2 square minus v1 square बाय जी, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगेन हमें v2 v1 की वैल्यू पता है। अब देखो यार इस क्वेश्चन में जैसे एक चीज मैं बताता हूं, अगर कोई चाहे तो v2 square minus v1 square की वैल्यू पहले निकाल ले, ताकि पार्ट सी में, कहाँ गया यार पार्ट सी, ये रहा पार्ट सी, ये पार्ट सी था पूरा है ना, इस पार्ट सी में भी उसका टर्म की यहां पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो और यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो दो बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। हालांकि वो अपने अपने स्मार्टनेस से, वो कोई खास बात नहीं, ले देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको इसकी वैल्यू पता है, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो क्या करोगे, रेंज इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2v2 square minus v1 square डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स वाली वेलोसिटी कहाँ गई भाई, ये v1, और v1 की वैल्यू भी अपने को पता है, मतलब वही बात है भाई, सब कुछ पता है अपने को, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो सीधा फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बड़ा खतरनाक सा आंसर आता है वो, mv/m+m का पावर 3/2 into 2 by g into v square m-2gh(m+m) ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, का पावर 1/2। क्या फायदा है भाई इतनी कैलकुलेशन करने का, मेरे पास काम ही क्या है, लेकिन आप लोगों का काम तो बहुत, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, तो ऐसे फालतू की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में नष्ट ना करें। मैं बता दिया हूँ सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ, मेरे सलाह यही रहेगी, किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो बात अलग है भाई, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कॉन्सेप्ट सारे इस क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, और क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट कैलकुलेशन जबरन की, वो हमारे किसी काम की नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में ऐसे, मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2024, अभी जो इतने भी एग्जाम्स हो रही है एडवांस वगैरह की, उनमें ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आते जिसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, पहले के जमाने में ये रिलेवेंट था जब सब्जेक्टिव होता था एडवांस 90s वगैरह, और हो सकता है फ्यूचर में कुछ पैटर्न चेंज हो जाए तो फिर से ये रिलेवेंट हो जाए। आज इसको सॉल्व करना पूरा एक एक पार्ट बाय पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ जाओ। चलो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच।